अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आर्टिस्ट एटीट्यूड वो प्रोग्राम जिसमें हम आर्टिस्ट के एटीट्यूड, स्टाइल और इंडिविजुअलिटी पर बात करते हैं। हमारा ये प्रोग्राम कवर करता है आर्ट की ऑलमोस्ट तमाम मेजर कैटेगरीज को। इस प्रोग्राम का असल मकसद पाकिस्तान के आर्ट और आर्टिस्ट का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सपोजर है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का प्रोग्राम। बंगाली स्कूल की अपने कल्चरल एलिमेंट में हेरिडिट्री प्राइड कई सेंचुरीज से एग्जिस्ट कर रही है। ढाका स्कूल ऑफ आर्ट को क्रिएटिविटी के हर एस्पेक्ट में लीड करने, स्पेशली पेंटिंग वर्ल्ड में इंटायर इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में बेस्ट कंसिडर किए जाने का एहसास भी हासिल है। पिछले दिनों हमायल आर्ट गैलरी में 9 बंगाली आर्टिस्ट का एक ग्रुप शो हुआ। इस वक्त हम आपको उसी एग्जिबिशन की कवरेज दिखाते हैं। बांग्लादेश ढाका के कंटेम्प्रेरी पेंटर्स ने आजकल के क्रिटिकल चैप्टर ऑफ वर्ल्ड आर्ट में अपना कैलिबर मनवाया है। इनका वर्क मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट सिंथेसिस लिए हुए है, जिसमें क्लासिकल स्कूल का ट्रांसफॉर्म स्ट्रक्चर भी शामिल है। इनके काम में वाइब्रेंट एलिमेंट्री कलर्स बहुत डेलिकेसी से इस तरह अप्लाई किए गए हैं कि वो मॉडर्न फॉर्म में इंटेग्रेटेड हैं। ये एक खुशी की बात है कि आज न सिर्फ यहाँ पाकिस्तानी आर्टिस्ट बल्कि हमारे ब्रदर मुल्क बांग्लादेश के आर्टिस्ट का काम को भी यहाँ एग्जीबिशन में शामिल किया गया है और हमारे बांग्लादेश से आर्टिस्ट भी तशरीफ लाए हुए हैं। और इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हमें न सिर्फ हमारा यहाँ का लोकल कल्चर अंडरस्टैंड करने में और उस कल्चर को हमारा आर्टिस्ट किस निगाह से देखता है उसको देखने में हमें मदद मिल रही है, बल्कि हमें ये भी साथ साथ अंदाज़ा हो रहा है कि बांग्लादेश में ट्रेडिशनल कल्चर क्या है और जो पाकिस्तान का एक वक्त हिस्सा रह चुका है और आज की जो यंग जनरेशन है वो नहीं समझती कि वहाँ का माहौल, वहाँ का कल्चर, वहाँ के रस्म और रिवाज क्या है। तो इस तरह अगर आर्ट्स का एक्सचेंज होगा तो उससे हमें ये अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होगी। पेंटर्स का ज़्यादातर काम मिक्स्ड मीडिया, वाटर कलर, ऑयल ऑन कैनवस और ऑयल ऑन पेपर पर था और मोस्टली फिगरेटिव होने के बावजूद एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लीन था। ये सोर्स ना सिर्फ इनकी पेंटिंग की ऑर्नामेंटल क्वालिटी को एनरिच करते हैं बल्कि कम्प्लीटली सोफिस्टिकेटेड रहते हुए फ्रेंजीज एक्साइटमेंट भी क्रिएट करते हैं। हमारे आर्ट गैलरी खोलने का मकसद तो यही था कि यहाँ के आर्ट प्रमोट किया जाए। इस सिलसिले की एक कड़ी है बांग्लादेश के आर्टिस्ट, बांग्लादेश का आर्ट यहाँ पे लाने की, यहाँ के आर्टिस्ट को एक्सपोजर मिले, यहाँ के बायर्स को अच्छा आर्ट खरीदने को मिले। पेंटर्स में अब्दुल शकूर, अब्दुल वहाब, ईवा हुसैन, फखरुल इस्लाम, फरीदा जमान, जहांगीर हुसैन, काजी एस ए, नूरुल अमीन और रंजीत दास शामिल थे। मेरा जो काम है ना, तो इधर जो सब्जेक्ट है ये मैन एंड नेचर के ऊपर कर रहा है, तो इसको जो मैन एंड नेचर उसके अंदर जो मिलता है जो सब्जेक्ट वो लाइट एंड शेड एंड जो कंट्रास्ट लाइट होता है वो उसको बांग्लादेश सब्जेक्ट को जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट उसको हाईलाइट करने के लिए ये मेरा सब्जेक्ट वो जो उसको अंदर जो हाईलाइट वाइट मैं ज़्यादा वाइट यूज़ करता है। अभी जो पेंटिंग का रिस्पॉन्स चल रहा है बहुत अच्छा, मेरा काम भी पाकिस्तानी पीपल्स लाइक्स माई पेंटिंग्स एंड आई एम ऑल्सो वेरी अप्रिशिएटेड।
जब आप अपने मुल्क से बाहर के लोगों को आके उनका काम देखते हैं, जो जो इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि आपको मुख्तलिफ लोगों के कल्चर्स की इंटरेक्शन होता है, वो किस तरीके से सोचते हैं, आपकी अपनी क्या सोच है, क्योंकि पेंटिंग और म्यूज़िक या कोई ऐसा मीडिया जिसका ताल्लुक आर्ट से है, उससे बहुत खूबसूरत तरीके से एक दूसरे से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। हमारे बंगाली आर्टिस्ट का काम बहुत खूबसूरत है, स्पेशली फखरुल ज़मान का और फरीदा का, उनका काम बिल्कुल डिफरेंट है, उनके कलर्स बहुत वाइब्रेंट हैं, उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से मिक्स मीडिया में और डिफरेंट मीडियाज़ में काम किया हुआ है। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे लोकल आर्टिस्ट, हमारे स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल आर्टिस्ट इंटरमिंगल कर रहे हैं, और इस तरीके से आर्ट को प्रमोशन भी मिलेगी और नई नई वसतें और चीज़ें खुलनी शुरू हो जाएंगी। आप सब जानते हैं कि बंगाल के लिटरेचर जो है और आर्ट बाकायदा एक स्कूल ऐसा है जिसे ख़ास अहमियत रही है आर्ट के अंदर, तो वहाँ की चीज़ें आज तक हमारे रंग में भी नज़र आती हैं और हमारे रंग वहाँ पे भी नज़र आते हैं, तो यही बात देख के यहाँ पे एक शदीद खुशी हुई मुझे, तो मैं बेहद मुतासिर हुआ इस काम से। मिनाहिल आर्ट गैलरी में होने वाली ये जो एग्जीबिशन है ये इतनी ज़बरदस्त है कि यहाँ पे लगता है कि रंग वाकई बोल रहे हैं और सांस ले रहे हैं, और इसकी सबसे खूबसूरती ये है कि यहाँ पे आर्टिस्ट ने डायरेक्ट लाइट्स एंड डायरेक्ट डार्क्स को यूज़ किया हुआ है। द बेस्ट थिंग अबाउट इट कि यहाँ पर हम आके देखते हैं तो डिफरेंट मीडियम्स देखने में आते हैं, स्टिल लाइफ भी है, कंपोजिशन भी है, फिगरेटिव वर्क भी उन्होंने किया है, और बहुत ही खूबसूरत पेशकश है इसकी। आई थिंक जो भी आर्ट लवर्स हैं उनको डेफिनेटली यहाँ पे आना चाहिए, और ख़ासतौर पर जितने आर्ट स्टूडेंट्स हैं मैं तो उनको रिकमेंड करूँगी कि लास्ट में यहाँ पर आके देखें कि हमारे मुल्क से बाहर जो काम हो रहा है वो इतना खूबसूरत लाइफ लिया। बहुत सारी बातें एज एन आर्ट स्टूडेंट हम करते हुए डरते हैं, हम कलर्स लगाते हुए डरते हैं, वो इस काम को देख के अंदाज़ा होगा कि उसको हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं है कैनवस पर जितना कि बज़ाहिर हमारे जहनों में डर बैठा हुआ है। एग्जीबिशन बहुत ही खूबसूरत है, स्पेशली हमारे नेबर से आए हुए आर्टिस्ट, जिनमें ये जो एक पेंटिंग मेरे सामने है ये है काजी साहब की, एंड द कलर इन इट इज़ वेरी नाइस, उन्होंने बहुत बोल्ड कलर्स यूज़ किए हैं, स्पेशली द कलर रेड। जो कलर रेड है उसको यूज़ करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन आर्ट, क्योंकि उसको हैंडल करना, उसको जहाँ जहाँ यूज़ करना है दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और बहुत खूबसूरती से उन्होंने हैंडल किया हुआ है, सिटी लाइफ डिपिक्ट की हुई है इसमें, एंड इट्स वेरी बोल्ड। सारा काम यहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट हैं उनका बहुत खूबसूरत है। ब्यूटी अम्यूज्ड, जहां हम आपको अम्यूज करते हैं मेकअप आर्टिस्ट की उन अमेजिंग स्किल से जो पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा आपकी पर्सनालिटी को बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और प्रेजेंस को रिमार्केबल बना देती हैं। आज का एजेंडा है नाइट मॉडल लुक, लेट्स वॉच। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम एट मीमी। व्यूअर्स, मेकअप का पर्सनालिटी अपीयरेंस में एक ख़ास रोल है, और हमारे मेकअप आर्टिस्ट हमें एक कंप्लीट पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। तो व्यूअर्स, हमारी आज की मॉडल शी वांट्स अ नाइट मॉडल मेकओवर। जैसा कि आप देख रहे हैं शॉर्ट हेयर कट के साथ इनके फेस पर ब्लैक सर्कल्स का प्रॉब्लम है और इनकी स्किन काफ़ी ड्राई है, तो इन सब प्रॉब्लम्स को कवर करते हुए हमारी आर्टिस्ट मोना इनका मेकओवर करेंगी। तो सबसे पहले ड्राइनेस के लिए हम क्लींजिंग करेंगे।
ब्लैक सर्कल्स के लिए कंसीलर यूज़ करते हुए हम प्रोफेशनल बेस देंगे। अब हम इनका ग्लिटर्ड आई मेकअप करेंगे। ब्लश ऑन अप्लाई करने के बाद हम फाइनली इन्हें लिपस्टिक लगाएंगे। लास्ट में हम ड्रेस की मुनासिबत से इनका हेयर स्टाइल बनाएंगे। तो व्यूअर्स, हमारा आज का नाइट मॉडल मेकअप कंप्लीट हो चुका है और आप देखेंगे कि हमारे मेकअप आर्टिस्ट की स्किल्स ने इनकी पर्सनालिटी को टोटली चेंज कर दिया है। निकी एंड नीना, टू इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिजाइनर सिस्टर्स फ्रॉम लाहौर, जिनको हमने डेडिकेट किया है मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी। लास्ट टाइम दे केम अप विद देयर स्टाइलिश ट्यूलिप कलेक्शन और इस दफा इनके पास है अ यूनिक जापानीज लाइनअप। वेल, वी कैन नेवर हैव इनफ ऑफ निकी एंड नीना। अस्सलाम वालेकुम। आज जो कलेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं वो हमारी जापानीज कलेक्शन है और इसको हमने जापान के चेरी ब्लॉसम से इंस्पायर होकर डिज़ाइन किया था। इसमें शेड्स ऑफ पिंक इस्तेमाल किए गए हैं काम में और इसमें काम का तरीका बहुत मुख्तलिफ है। बीड्स, सीक्वेंस और उनको बहुत मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया गया है। हमारी इस कलेक्शन के जो कलर्स हैं वो बहुत अनयूजुअल हैं। ब्राउन बेस है फैब्रिक की, उसके ऊपर चेरी ब्लॉसम के जो पिंक शेड्स हैं उसमें टाई डाई किया गया है और काम में भी जो फूल हैं वो चेरी ब्लॉसम ही के डिफरेंट शेड्स हैं और हमने कोशिश की है ये इफ़ेक्ट देने की कि ये ओरिजिनल चेरी ब्लॉसम की स्टेम की तरह लगे। और जहाँ तक कट्स का ताल्लुक है, कट्स में हम लोगों ने जापानीज कट्स को कम्बाइन किया है वेस्टर्न कट्स के साथ, इस तरह से कि वो पाकिस्तान में कंफर्टेबली लोग पहन सकें।
इस कलेक्शन में जो हमने फैब्रिक यूज़ किया है उसको हमने बहुत केयरफुली सेलेक्ट किया है, और शिफॉन और किस्मों की सिल्क का कॉम्बिनेशन है, और जिससे स्लीक लुक भी है लेकिन साथ साथ एक फ्लोई इफेक्ट भी आ रहा है। ये कलेक्शन यंगर एज ग्रुप को माइंड में रखते हुए डिज़ाइन की गई है, और इसमें हमने टाई एंड डाई का इस्तेमाल काम की प्लेसमेंट के हिसाब से किया है। दुपट्टों की जगह इसमें स्कार्फ का इस्तेमाल किया है ताकि वो इजी टू मैनेज हो फॉर यंग गर्ल्स। सो आ जापानीज कलेक्शन, और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। और इसकी खासियत ये है कि ये आप दिन के फंक्शन में भी पहन सकते हैं, और रात के चाहे डिनर हो या शादी के लिए ये अप्रोप्रिएट रहेगी। The rhythm. अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट सिंग प्ले बैंग एंड फील, जिसमें हमारे पास आज है सलमान अहमद का घूम ताना, विच इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंजॉय।
ये था हमारा आज का प्रोग्राम. फॉर फीडबैक प्लीज नो डाउन आवर एड्रेस. इट्स डायरेक्टर्स प्रोग्राम द आर्टिस्ट्स एटीट्यूड, पीओ बॉक्स 444, लाहौर, पाकिस्तान. जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज आर्ट इंडस्ट्री के हवाले से कि बहुत अरसा हमारी पाकिस्तानी आर्ट इंडस्ट्री बोथ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स स्टैग्नेंट रहने के बाद अब इवेंचुअली ग्रो करना शुरू हुई है. और एट दिस पॉइंट इन टाइम हमें चाहिए, हमारे आर्टिस्ट को चाहिए कि वो लेग पुलिंग करने की बजाय लोगों को इनकरेज करें और सपोर्ट करें. और इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि नए और टैलेंटेड लोग इस फील्ड में आएं, नए नए आइडियाज़ लेकर आएं ताकि हमारी ये इंडस्ट्री मज़ीद ग्रो कर सके. इसी मैसेज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं. यू स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.